roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just gone. आज है लास्ट डे हमारा विशाखापट्टनम में. कल हम लोग चले जाएंगे एंड मेनली हम लोग घूमे हैं दो बीचेस के ऊपर. एंड हमारा प्लान था यार मूवी देखने का, लेकिन वो देख नहीं पाए बिकॉज यहाँ पे कोई हिंदी मूवी लगी नहीं. एंड मेनली हम यहाँ पे आए थे डैड से मिलने, बिकॉज डैड की जॉब यहाँ पे है. तो हम डैड की टाउनशिप में ही हम एक गेस्ट हाउस में रुके हैं. एंड मेन तो हम डैड से मिलने ही आए थे, क्योंकि डैड से मिलने में बहुत टाइम लगता है यार. डैड यहाँ विशाखापट्टनम में जॉब करता है, मैं वहाँ पुणे में. तो यार पापा से मिलना था, वो था मेन. एंड इसी बहाने हम घूम भी लिए, साथ में एंजॉय भी कर लिया. फोटोज़ इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी. ये लो आईडी फॉलो करो. ज़मीन में गेस्ट हाउस के सामने मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, एक शेल टाइप का. इसको निकालने की मैं कोशिश करता हूँ. निकल तो गया है बहुत हार्ड वर्क के बाद, बट ये एक स्नेल था जो दफन था यहाँ पे. इट्स नॉट अ सी शेल काइंड ऑफ अ थिंग. गाइस टुडे इज़ द फाइनल डे इन विशाखापट्टनम एंड वी आर एट द फाइनल लोकेशन. यही है लास्ट जगह जहाँ हम घूमने वाले हैं. सो दिस इज़ द रॉस हिल चर्च. तो ये है रॉस हिल एंड हिल के ऊपर बना हुआ है ये चर्च. सो अभी हम इसको देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत कहा जाता है इसको. तो हम इसको जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं. तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, अपन डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं. गाइज ये देखो भाई, ये होता है व्यू. एकदम नदी, यहाँ पे आपके क्रिश्चियन गॉड्स, एंड यहाँ पे एक मंदिर भी है. तो गाइस ये होता है एक्चुअल ब्यूटी, हरा भरा एकदम एंड सामने झील, वाओ. तो गाइस यहाँ से थोड़ी देर में व्यू को एंजॉय करता हूँ, उसके बाद और ऊपर चढ़ना है तो ऊपर चढ़ते हैं. फिलहाल थंबनेल के लिए थोड़ा पानी भी आना चाहिए. यस परफेक्ट. तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर और भी लोग हैं. लेट्स गो. वी मस्ट नेवर स्टॉप द वे यह. Here you have the entry to the church, main church. यहाँ पे है ईसा मसीह एंड बहुत कुछ आगे. एंड ये जो है जगह, ये चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है. ऐसा नहीं है कि सामने वाटर था जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया था. इट्स कम्प्लीट वाटर फोर साइड्स. सो गाइज हेयर यू हैव अगेन वाटर. थोड़ा चर्च के हम अंदर जाते हैं. गाइस अंदर मैं थोड़ी देर बैठ गया, बहुत ही शांत था, रिकॉर्डिंग अलाउड थी एंड आई रियली एंजॉयड एंड लाइक्ड इट. तो बहुत सारी चीज़ें अंदर लिखी भी हुई थी फोटोग्राफ्स के साथ, बट ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड तेलुगु, बट आई कांट रीड एंड राइट इट. सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल ओवर हियर. एंड इफ़ यू विजिट वाइजैक देन डेफिनेटली कम हियर एंड इट्स वर्थ कमिंग बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज हियर. तो गाइस यहाँ से एक और जगह है एंड देयर यू आर हैविंग द क्रिसमस ट्री, जो हैदराबाद में जब हम लोग रहते थे इंडिपेंडेंट हाउस था तब हमारे पास भी था. एंड फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे. सो इट्स रियली ग्रेट, वी यूज टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. एंड देयर यू हैव वन मोर फोटो. गाइस हियर वी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द चर्च एंड अभी मुझे जाके पता चला कि ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, चारों तरफ से नहीं है. एंड बट इट्स ब्यूटिफुल एंड रियली ग्रेट. एंड यहाँ पे अजान की आवाज़ भी आ रही है बिकॉज मस्जिद है आसपास. एंड काफ़ी अच्छा है यार, मंदिर दिखाया हमने आपको, पास में मस्जिद है एंड हम लोग चर्च में है. सो इट्स ब्यूटी ऑफ इंडिया. ये एक व्यू पॉइंट जैसा है, यहाँ से आप देख सकते हो सिटी को एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड वाओ सनसेट बिल्कुल हो रहा है. हमने 100 बारी एरोप्लेन कैप्चर किया विशाखापट्टनम में एंड 100 बारी हमने सनसेट को भी कैप्चर किया. सो गाइज यहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट जीसस क्राइस्ट. इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, पहाड़ का, नदी का, प्लस चर्च एंड ऑफ कोर्स क्रिसमस ट्री, ब्यूटीफुल. सो गाइज देखा जाए तो मैं वाइजैग आया, दो दिन हम बीच पे गए, बहुत ही ज़्यादा फन किया. बढ़िया बीच एक ऐसी जगह है जो बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन ऐसा व्यू गाइज, ऐसा व्यू बहुत कम जगह मिलता है, इतना ब्यूटीफुल. एंड इसी के लिए तो यहाँ आते हैं लोग
इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी काम प्लेस, सो यू कैन कम हियर एंड रिलैक्स योर माइंड. गाइज आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट स्टार्टेड ब्लैबरिंग इंग्लिश आफ्टर कमिंग हियर, सो आई एम बैक टू हिंदी. हिंदी में ही बात करेंगे भाई. यहाँ से व्हीकल का रास्ता है बेसिकली, तो यहाँ से आप आराम से व्यू को देख सकते हो. तो थोड़ा मोन्टाज यहाँ से पहले आप देख सकते हो. सनसेट का एक और शॉट ले लिया भाई, हज़ार ले लिए एक और सही. So guys, here you have another beautiful looking thing and यहाँ पे जाके अभी एक कैंडल जलाएंगे. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. Guys, कैंडल तो हमने जला दी है एंड चर्च का जितना मेरे को याद है हमारे स्कूल के पास एक चर्च था जो कि एक प्रोटेस्टेंट चर्च था. प्रोटेस्टेंट चर्च में कैंडल वाला नहीं होता है एंड कैथोलिक चर्च में होता है. एक कैथोलिक चर्च था जिस कॉलोनी में हम रहते थे एंड एक प्रोटेस्टेंट चर्च था, एक मस्जिद था, एक मंदिर था. मंदिर नहीं था एक्चुअली, बहुत सारे मंदिर थे बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग कॉलोनी ऑफ BHEL. हैदराबाद की तो मुझे बहुत याद आती है, मतलब इतने मज़े किए हम लोगों ने हैदराबाद में. उस टाउनशिप के इर्द गिर्द उसमें ग्राउंड था, उसमें हम सब खेलने जाते थे, बी आर अम्बेडकर स्टेडियम. बहुत मज़ा आता था एंड अभी मुझे दोस्तों की बहुत याद आती है. दोस्त भी कह देते हैं तू हैदराबाद आ जा, फिर मैं उनको रिप्लाई देता हूँ तुम लोग पुणे क्यों नहीं आते हो. तो गाइज ये है एक एरिया, ये बेसिकली एक यॉट है एंड यहाँ से शिप्स वगैरह बोट्स वगैरह जा रहे हैं, आपको बहुत सारे दिख भी रहे होंगे. एंड अभी हम लोग सीधे नीचे जाने वाले हैं जहाँ से परफेक्ट हमें व्यू मिलेगा, तो आपको बहुत ही सारे यू नो मॉन्टाज शॉट्स देखने को मिलेंगे. भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ से आप देख सकते हो जिस तरह से रास्ते बने हुए हैं, ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड काफ़ी सही, मतलब इसको बनाया गया है ब्यूटीफुल तरीके से. ऑफकोर्स पहाड़ के तो व्यूज़ अलग ही वाइब दे रहे हैं भाई. नोटिस कर रहा हूँ यार, फ्लावर्स बहुत ही सारे हैं यहाँ पे. इस पीछे से मॉम एंड डैड आ रहे हैं एंड गाइज इसकी जो खूबसूरती है मैं कैमरे में उतनी अच्छे से कैद नहीं कर पा रहा हूँ एंड कैमरे में उतनी अच्छी दिखेगी भी नहीं. ऑफकोर्स कैमरे में काफ़ी अच्छी दिख रही होगी बट रियलिटी में जो ये प्लेस इतनी ब्यूटीफुल है वो कैमरे में नहीं लगेगी. जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक एक व्यू को एंड सनराइज टू सनसेट एंड सन का जो क्या बोलते हैं यार जो भी है, जिस तरह से गाइज ये प्लेस रियल आंखों में दिख रही है वैसी कैमरा में नहीं दिख रही एंड हर एक मोमेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ. Guys, may God bless you and may God bless me as well. Now we are going down and अब तो चंद्रमा भी दिखने लग गए हैं सूरज ढलते ही and वैसे अभी रोशनी बहुत है. So guys, अभी time हो चुका है जाने का and this was the last place we were supposed to visit in विशाखापट्टनम and to be honest ये city बहुत अच्छी है, आप कभी आइए अपने परिवार के साथ घूमने के लिए, it's worth it. Guys, of course मैं तो विशाखापट्टनम पहले भी आ चुका हूँ, एक बार कोविड जब जस्ट स्टार्ट हुआ था तब भी. Guys, ये था हमारा विशाखापट्टनम का ट्रिप.